कैसे हैं आप लोग? सो हाय यू ऑल, दिस इज पीयूष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल. वेलकम टू टिप ऑफ द ट्यूसडे. आजकल के टाइम में हम बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे चैट करते हैं और चैट के साथ साथ इमोजीज भी भेजते हैं, और इमोजीज के साथ भेजते हैं हम GIFs, GIFs, GIFs. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बना सकते हैं GIFs और GIFs. हाय ऑल, दिस इज पीयूष एंड यू वाचिंग माय चैनल. आज मैं आपको बताऊंगा कि GIF कैसे बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से. तो आप अपने प्रीमियर प्रो में एक फ़ाइल इंपोर्ट कर लीजिए, जैसे कि मैंने की है. तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि आपकी जो वीडियो है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 सेकंड्स की हो, ताकि वो एक GIF की तरह ही लगे, ना कि कोई वीडियो की तरह. द मोस्ट प्रॉबेबली आप अपनी वीडियो को 3 से 4 सेकंड्स ही रखिए. और फिर उसके बाद सीक्वेंस में जाइए, सीक्वेंस सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए. हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ताकि हमारा जो फ्रेम का साइज़ है वो वाइड हो जाए और जो वीडियो का साइज़ है वो छोटा हो जाए, ताकि उसे GIF की तरह सेंड किया जा सके. जो फ्रेम साइज़ है उसको मैं रख रहा हूँ 480. और जो मेरा दूसरा है उसको मैं रख रहा हूँ, बाकी चीज़ों को सेम रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो फ्रेम साइज़ हमने रख दिया 480 और 204. प्रेस ओके और फिर से ओके दबा दीजिए. और अब जो हमारी वीडियो है उसको स्केल कर लीजिए इफेक्ट कंट्रोल में जाके, ताकि वो स्क्रीन में फिट हो सके. आई थिंक जो फ्रेम साइज़ है उसको थोड़ा सा और वाइड करना चाहिए. तो फिर से सीक्वेंस सेटिंग में जाके मैं 204 की जगह 170 रख देता हूँ. उसके बाद अपने प्रोग्राम पैनल में जाइए, जहाँ पे आपकी वीडियो है और यहाँ पे एक प्लस आइकन होगा. यहाँ पे जाके लूप प्लेबैक को सिलेक्ट करके उसे अपने जो मेन बटन पैनल है आपका उसमें ले आइए. और ध्यान में रखिए कि वो ब्लू हो, मतलब उसको सिलेक्ट किया गया हो, ताकि आपकी वीडियो एक लूप में चले. अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करोगे तो आपकी वीडियो लूप में नहीं चलेगी और सिंपली एक वीडियो की तरह रेंडर हो जाएगी. तो जब आपने ये कर दिया, उसके बाद फाइल में जाइए और एक्सपोर्ट कर दीजिए. आप कंट्रोल एम भी कर सकते हैं अगर आप विंडो यूज़र्स हो. यहाँ पे फॉर्मेट सिलेक्ट कीजिए एनिमेटेड GIF. एंड बाकी की सेटिंग्स को वैसे ही रहने दीजिए और फिर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए. एंड जैसा कि आप देख सकते हैं अब, कि मैं आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ कैसे बनी है आपकी GIF. तो ये एक GIF बन चुकी है. आप इसके अंदर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं इसको ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अभी. एंड इसको भी एक्सपोर्ट कर लीजिए और ये देखिए ये कैसी लग रही है. जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी एक खुद की GIF बन चुकी है. तो इस तरह से आप अपनी खुद की एक GIF बना सकते हैं, चाहे वो किसी मूवी का सीन हो या फिर अपनी खुद की वीडियो. अगर आपने बनाने का ट्राई किया तो प्लीज़ मुझे भेजिएगा. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है DSLR Monk. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे एक नए कॉन्टेंट के साथ. टिल देन, बाय बाय.
तो इंटरनेट पे हम बहुत ज़्यादा चैट करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं भाई साहब, बहुत ज़्यादा। मम्मी पीटती है इस बात पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा